महानवमी है, मां सिद्धिदात्री की आज पूजा की जाती है। आप सभी को आज का दिन खूब सारे शुभ समाचार लेकर आए और माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज जुमा भी है, लेकिन साथ में उत्तर प्रदेश की राजनीति भी चरम पर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज भयंकर हंगामा बरपा है। अखिलेश पूरे दल बल के साथ JPNIC म्यूजियम में जयप्रकाश की जयंती मनाने जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें म्यूजियम में चल रहे काम की वजह से रोक दिया। फिर क्या था, अखिलेश यादव इस बात पर खासे नाराज दिखे। भयंकर हंगामा हुआ, वहां पर मीडिया का हुजूम लगा हुआ था। मामला समाजवाद और परिवाद तक पहुंच गया। लेकिन सियासत में कोई हंगामा यूं ही हो जाता है, आप मुझे बताइए। हर चीज के पीछे सियासी नफा नुकसान देखा जाता है, और आज के हंगामे के पीछे की वजह है उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव। वैसे तो बाकी राज्यों में उपचुनाव कब आते हैं, कब चले जाते हैं, कौन जीतता है कौन हारता है पता तक नहीं चलता है, चर्चा तक नहीं होती है, एक आध हेडलाइन जरूर हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जिसकी सियासत का असर पूरे देश में पड़ता है, वहां के उपचुनाव माने रखते हैं हुजूर। उम्मीद की जा रही है कि महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के साथ उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे, और जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें है करहल, जो कि सैफई से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है, यादवों के वर्चस्व वाली वो सीट है, अखिलेश यादव के सांसद बनने के कारण वो सीट खाली हुई थी, और उसके बाद आता है नंबर सीसा मऊ का। ये देखिए 2022 में समाजवादी पार्टी का कब्जा यहां पर हुआ था। क्या खासियत है इस जगह की, मुस्लिम बहुल आबादी वाली सीट है। फिर नंबर आता है कटहरी का, जहां जो SC वोटर है वो सबसे ज्यादा है। और मत भूलिए, इन सारी चीजों के इर्द गिर्द इस वक्त देश के चुनाव गूंज रहे हैं। कुंदर की 60% वोटर वहां पर मुस्लिम है। मीरापुर सीट जाट और गुज्जर बहुल इलाका है। सीट पर दलितों और जाट वोटर्स की संख्या यहां पर एक बराबर है, लेकिन बावजूद इसके वर्चस्व की लड़ाई है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। फूलपुर चलिए, वहां पर दलित यादव और कुर्मी वोटर्स लगभग बराबर है। मझावा सीट पर सबसे ज्यादा दलित वोटर है। मलकीपुर में ब्राह्मण भी है, यादव भी है, पासी समाज भी है, और लगभग बराबर की संख्या में ये सबके सब है। जबकि गाजियाबाद सीट सवर्ण और दलित बहुल वोटर्स का इलाका है। ये वो 10 सीटें हैं विधानसभा की जहां पर उपचुनाव होने हैं। यूपी का संग्राम जो है वो इन्हीं 10 सीटों के लिए हो रहा है, और ये 10 सीटें सत्ता में बैठी BJP और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी दोनों के लिए बहुत अहम है। अब आप कहेंगे कैसे अहम है, मैं आपको समझाती हूं सिलसिलेवार तरीके से। अगर समाजवादी पार्टी इन 10 सीटों पर बढ़त बना देती है तो आपको पता है क्या होगा, उसके लिए 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक मोमेंटम बन जाएगा। अखिलेश के PDA यानी वो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स की जो राजनीति अब कर रहे हैं, उसको एकजुट वो है कि नहीं है, उसका ये लिटमस टेस्ट होगा। लोकसभा के बाद ये पहली बार है कि विधानसभा चुनावों में PDA वाला मसला फेल होता है कि पास होता है, वो 10 इन उपचुनाव में पता लग जाएगा, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर यही आबादी प्रभाव डाल रही है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आप जानते हैं नाराजगी की बात को अखिलेश साबित कर देंगे अगर इन 10 उपचुनाव वाली ये जो सीटें हैं इस पर अखिलेश यादव को बढ़त मिल जाती है या वो जीत हासिल कर देते हैं, और इसीलिए अखिलेश यादव के लिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, विपक्ष के लिहाज से या BJP को कटघरे में खड़े करने के लिहाज से ही नहीं, अखिलेश खुद को इंडिया ब्लॉक में सबसे बड़े नेता के रूप में साबित कर देंगे अगर इन 10 सीटों पर वो जीत जाते हैं तो। लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये कम अग्नि परीक्षा नहीं है। ये जो 10 सीटें हैं ना, ये उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूछिए क्यों, क्योंकि 2024 में वो जो 400 पार वाला नारा था, उसे सबसे बड़ा झटका बताइए कहां से लगा है, उत्तर प्रदेश से लगा है। BJP 62 में से कितनी सीटें लाई, 33। अकेले UP में 29 सीटों का नुकसान हुआ। तो ये वो टाइम है जब ये बता सकते हैं कि नहीं भाई, वो गड़बड़ी हो गई, वो हरियाणा का जो स्वाद है अब यहां हम चख लेंगे। लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा कई लोगों ने किस पर फोड़ा, योगी आदित्यनाथ पर, और उससे उनकी इमेज पर एक बहुत बड़ा डेंट भी लगा। 10 सीटों पर बढ़त योगी आदित्यनाथ की इमेज को और स्ट्रॉन्ग कर सकती है। तो
तो 2027 विधानसभा चुनावों से पहले उपचुनावों में ये जो बढ़त है वो बीजेपी कैडर में पॉजिटिविटी, उमंग और जोश भर देगी, और ये दोनों कैडर के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए अखिलेश और योगी आदित्यनाथ दोनों 10 सीटों के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, और इसी लड़ाई का एक चरण है आज की तस्वीरें, क्योंकि अगर तस्वीरों को याद किया जाए तो यही वो तारीख थी 10 अक्टूबर 2023, यानी लोकसभा चुनावों से कुछ महीने पहले आज ही के दिन ये दो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने हैं। एक 2023 की 11 अक्टूबर को अखिलेश गेट फांदकर जेपी के मूर्ति को माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे थे, और आज यानी 10 अक्टूबर 2024 अखिलेश को रोका गया बीच सड़क पर। फिर उन्होंने जेपी की मूर्ति, जयप्रकाश की मूर्ति मंगवाकर उन पर माल्यार्पण किया। इसके बाद अखिलेश ने लखनऊ से बिहार के मुख्यमंत्री को एक सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि देखिए, जयप्रकाश के रास्ते पर चलते हुए इस मौजूदा सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री को। जेडीयू की प्रतिक्रिया भी आई, दोनों आप जल्दी से सुनिए और उसके बाद शुरू करेंगे गूंज। चलवा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं, समय समय पर जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी, ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। और उन्होंने परिवारवाद, वंशवाद और व्यवस्था के परिवर्तन को लेकर जो आह्वान किया, अगर लेश मात्र भी अखिलेश यादव जी ने उन जीवन मूल्यों को तरजीह दी हो तो एक परिवार का संपूर्ण आधिपत्य समाजवादी पार्टी पर नहीं दिया। देख रहे हैं ना, पूरा मामला पहुंच गया समाजवाद वर्सेस परिवारवाद, यानी अखिलेश ने समाजवाद को मुद्दा बनाने की कोशिश की, जेडीयू की तरफ से परिवारवाद वाला हमला हुआ, अखिलेश को आईना दिखाने की कोशिश हुई। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जेपी के परिवार के कितने सदस्य आप गिनवा सकते हैं बताइए। परिवारवाद को लेकर जेपी की परिकल्पना या जेपी वाले समाज की परिकल्पना नहीं हो सकती। समाजवाद के पाठ पढ़ाने पर उन्हें परिवारवाद समझाया गया, इसीलिए